हेलो एवरीवन, आई एम हिरम पांडे, योर करियर कोच। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड दिस टॉपिक इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो फॉर पेरेंट्स। इस टॉपिक में बेसिकली हम जो एक सबसे बड़ा डिलेमा है कि भाई आफ्टर टेंथ कहाँ पे जाएं, किधर जाएं कोचिंग के लिए। कोई बताता है यहाँ लोकल कोचिंग ले लो, कोई बताता है आप चंडीगढ़ चले जाओ, कोई बताता है कोटा चले जाओ। तो मैं आपको एक यहाँ पे एनालिसिस बताने वाला हूँ आपको कहाँ जाके क्या मिलेगा। सबसे पहले बाहर जाके, जहाँ पे हमेशा दिमाग में आता है जी कोटा जाना है, जी चंडीगढ़ जाना है, जी दिल्ली जाना है, तो उससे क्या मिलेगा, क्यों जाते हैं हम? तो इसलिए जाते हैं ऑब्वियसली, एक एक्सपीरियंस टीचर, दूसरा बढ़िया स्टडी मटीरियल एंड तीसरा वेरियस टेस्ट पैटर्न्स होते हैं, रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द रिजल्ट्स, जिसके लिए हम बाहर जा रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के। ठीक है, अब आपको एकदम से रिजल्ट मिल ही गया होगा, आपको लग ही रहा होगा कहाँ जाना है, ऑब्वियसली बाहर जाना है क्योंकि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अब वो जमाना गया, अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपके सिटी भटिंडा में आईआईटी एंड क्लासेस जैसे इंस्टीट्यूट हैं, तो आपको ये सारी चीजें इधर, इट इज एक्सपीरियंस टीचर, स्टडी मटेरियल, वेरियस टेस्ट पैटर्न, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सब कुछ आपको यहां पे मिलता है। सो क्यों जाना बाहर? अब एक एनालिसिस करते हैं बाहर जाके क्या मिलता है और यहां पे क्या मिलता है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि आप बाहर जाओगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और यहां भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन चलो हम ऐसे लेते हैं, आप अपनी सिटी से बाहर जाते हैं, भटिंडा से बाहर जाते हैं, तो वहां जाने पर बैच साइजेस क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े बैच बनते हैं। आपको शायद पता होगा कोटा जैसी जगहों पे 200 स्टूडेंट्स का बैच होता है और यहां पे इन IIT क्लासेस वी हैव जस्ट मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स बैच। सो यू कैन कंपेयर बैच साइजेस 200 और 50। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कोचिंग तो कोई भी मिल सकती है, मेरा ऑप्शन हो सकता है, कोटा का ऑप्शन हो सकता है, चंडीगढ़ का ऑप्शन हो सकता है, दिल्ली का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपके पेरेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। आपका पेरेंट वही आपको वो केयर दे सकते हैं, पेरेंटल केयर। आप अपने पेरेंट्स से दूर जाएंगे तो क्या वो मिलने वाला है? नो, बट हियर इन योर सिटी आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, सो यू विल हैव पेरेंटल केयर। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आप एक बात सोचो, आपके दो साल के स्टडी में कई बार आपको बहुत अच्छा लगता है, लगता है बस मैं कुछ भी कर लूंगा, और कई बार ऐसा होता है बहुत डल फील होता है, रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं अच्छा आया, टेस्ट में नहीं अच्छा परफॉर्मेंस आया, तो आपको डल फील होता है। उसमें होगा क्या, आप जब बाहर रहते हो हॉस्टल में आप जाते हो, आपको कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन जब आप घर पे आते हो आपकी मम्मा आपको एक बार सर पे आपके प्यार से हाथ सहला के वो बोलती है बेटा क्या हुआ, आपका आधा दर्द ऐसे ही दूर हो जाता है। आप अपनी बात कह लेते हो, आपके पेरेंट्स इमीडिएट जाके टीचर्स को मिल सकते हैं और इस तरह से आपको ये सपोर्ट मिलता है। इंडिविजुअल डाउट सेशन, आप भी जानते हो उन सिटीज में इंडिविजुअल डाउट सेशन का कोई मतलब नहीं है जहां पे एक एक इंस्टीट्यूट के अंदर 50,000 स्टूडेंट्स तक हैं। आपको पता होगी ये बात और आप और ये वो लोग बहुत फक्र से ये बात बताते हैं कि वी हैव 50,000 स्टूडेंट्स इन दिस ईयर। सो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे इन IIT क्लासेज यू विल हैव इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल डाउट सेशन, लेकिन आपको यहाँ पे जो है इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है। आप वहाँ पे कोटा में, चंडीगढ़ में, वहाँ पे आप एक थंब इम्प्रेशन होते हो, यहाँ पे आप अपने नाम से जाने जाते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एक बच्चे के, एक मीडियोकर बच्चे की मैं बात करता हूँ, देखिए सारे बच्चे टॉपर्स में नहीं होते हैं, सारे बच्चे टॉपर्स में हो भी नहीं सकते हैं, कोई ना कोई बच्चा लास्ट पोजिशन पर आएगा, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में नंबर से बच्चों को आका जाता है।
और मैंने देखा है कि बाहर जाके बच्चे क्या करते हैं, वो अपने मीडियोकर बच्चा है तो बेचारा और कमज़ोर होता जा रहा है। जो टॉपर है उसके लिए एक अलग सा बैच बना दिया गया है, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उस बेचारा मीडियोकर एंड बिलो एवरेज वाले बच्चे का क्या होगा। यहाँ पे जब आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है तो वो आप आराम से जो है वो बच्चे को धीरे धीरे करके वो ऊपर बढ़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा और स्पेशली मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, आजकल के पेरेंट्स जो हैं बार बार ये बातें बोला करते हैं, जी बच्चा कह रहा है बाहर जाने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बचपन में बच्चे को ना आग बड़ी अच्छी लगती है, येलो कलर ऑरेंज कलर की आग होती है, ठीक है, उसको पकड़ना भी चाहता है। आप जब सुबह का दिया जलाते हो पकड़ना चाहता है, लेकिन आप नहीं पकड़ने देते हो, बिकॉज आप बड़े हो, आप समझदार हो, दुनिया आपने देखी है। तो अपने बच्चे को समझाइए कि उसका भला आपके पास रह के है। इफ यू हैव बेस्ट इंस्टीट्यूट इन योर सिटी, सो बी हियर विद योर पेरेंट और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लीजिए। वी आर हियर इन भटिंडा IIT क्लासेज, और यहाँ पे आइए और हम आपको बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।